आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के कृतिका बुक उसका अध्याय 5 जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। देखो बच्चा, इसके जो लेखक हैं वह अज्ञेय जी हैं। इसमें जो है आप जैसे कि बात कर सकते हो कि यहाँ पे हमारे लेखक के मन में जो है वह सवाल है और वह हमारे आसपास उन अपने आसपास के लोगों के सवालों का जवाब देते हैं कि आखिर वह क्यों लिखते हैं, मतलब कि एक लेखक कब और किस हालातों में लिखना शुरू करता है, उसी की यह असमंजस की कहानी है। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है मैं क्यों लिखता हूँ। यह प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है पर बड़ा कठिन है। बात सही है कि भले ही देखने में भाई ठीक है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई क्यों लिखते हो, लेकिन अगर सोचा जाए तो अपने आप में एक बहुत बड़ा और बहुत एक आप बोल सकते हो बहुत ही मुश्किल सा क्वेश्चन है कि भैया क्यों लिखते हो। क्यों, कोई ना कोई रीज़न तो होना चाहिए ना उनके लिखने के। कोई ऐसे तो नहीं कि कोई भी कुछ बनाया लिख दिया, कुछ लिखने का कुछ रीज़न होना चाहिए। तो क्योंकि इसका सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तर से संबंध रखता है। यानी कोई भी ज़्यादातर की अगर बात करें, ज़्यादातर लिखावट की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द लेखक जो है वो क्या करते हैं अपने इंटरनल मैटर, अपने जो इंटरनल लाइफ की अगर बात करें, उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो उनकी जो पर्सनल लाइफ के बारे में जो भी चीज़ें जो घटती हैं तो मोस्ट ऑफ द जो है वो उसी के इर्द गिर्द की कहानियाँ जो है वो लिखा करते हैं। उन सबको संक्षेप में कुछ वाक्यों में बांध देना आसान तो नहीं है ना, जाने संभव है भी या नहीं। इतना ही किया जा सकता है कि उनमें से कुछ का स्पर्श किया जाए, विशेष रूप से ऐसे जिनका जानना दूसरों के लिए उपयोगी हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है, देखो लेखक का कहना है कि जनरली लेखक जनरली जो लिखते हैं, जो लोग लिखते हैं वो अपने पर्सनल लाइफ की चीज़ों को जो है पर्सनल लाइफ की घटनाओं को लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हर एक इंसान या फिर जो भी कोई लेखक अगर है, मान लो कोई भी अगर लेखक है तो वो अपने संपूर्ण जीवन की जो भी कहानी जो है संपूर्ण जीवन की कहानी जो भी उसके जीवन में जो घटनाएं जो घटी है उन सभी को वह लोगों के सामने जो है वो लाके रख दे, ये पॉसिबल तो नहीं है ना। तो भैया अब सिंपल सी बात है, तो लेखक अगर लिखेंगे भी तो कौन कौन सी घटनाएं लिखेंगे, तो वही घटनाएं लिखेंगे जिनका जानना लोगों के लिए ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसा होता है, बहुत लोगों के लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ उनका अपना पर्सनल इश्यू होता है जो कि लोगों के सामने वो नहीं सामने ला सकते। तो उन्हीं चीज़ों को भी हम लोग देखते हैं हमारे सामने वही चीज़ें बस आती हैं जो कि भाई ठीक है उससे हम लोगों को कुछ सीखने को मिले। नहीं तो आप उठा के देख लो बहुत सारे लेखकों की अगर जीवनी अगर आप देखो तो उनकी जीवनी में आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी जो कि हाँ भाई ये लेखक जो है ऐसा बता के गया, ये लेखक ऐसा बता के गया। तो बस उनकी जो है थोड़ी बहुत ऊपरी जो चीज़ें हैं वही हमको जानने को मिलती है। कभी किसी के पर्सनल लाइफ की बातें हम लोग जल्दी नहीं जान पाते। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, कोई लेखक अपने पर्सनल लाइफ को पूरी तरह से सबके सामने वो नहीं ला सकता और लाना पॉसिबल भी नहीं है। एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि स्वयं जानना चाहता हूँ कि क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। वास्तव में सच्चा उत्तर यही है, लिखकर ही लेखक उस अभ्यंतर को पहचानता है जिसके कारण उसने लिखा और लिखकर वह उससे मुक्त हो जाता है। यानी यहाँ पे बात जो है कि जो लेखक के मन में जो सवाल जो आया उससे जो सवाल किया गया कि भैया तुम क्यों लिखते हो, तो इसका कहना है कि भाई इसका जवाब तो मैं भी नहीं जानता और इसी का जवाब जानने के लिए ही मैं लिखता हूँ। कि जो आपने तुमने मुझसे पूछा ना कि मैं क्यों लिखता हूँ, तो इसी सवाल का जवाब जानने के लिए ही मैं लिखता हूँ। क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे कब मिलेगा, जब मैं उस काम को करूँगा। यानी जब मैं उस काम को करूँगा तभी तो मुझे पता लगेगा कि हाँ यार मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, मतलब आखिर इसमें क्या ऐसा चीज़ है, क्या ऐसा इसमें नया है जो कि मुझे ये करना पड़ता है या मैं करते आया हूँ। तो इसलिए जो है लेखक कहते हैं कि इन सवालों का जवाब जानने के लिए ही मैं लिखता हूँ। और तो और मैं भी उस आंतरिक वर्षा से मुक्ति पाने के लिए स्वस्थ होकर उसे देखने और पहचान लेने के लिए लिखता हूँ। मेरा विश्वास है कि सभी कृतिकार, क्योंकि सभी लेखक कृतिकार नहीं होते, न सब उनका लेखन कृति होती है, सभी कृतिकार इसलिए लिखते हैं यह सब कि कुछ ख्याति मिल जाने के बाद कुछ बाहर की व्यवस्था से भी लिखा जाता है, कुछ संपादक के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे, आर्थिक आवश्यकता से। पर एक तो कृतिकार हमेशा अपने सम्मुख ईमानदारी से यह भेद बनाए रखता है कौन सी कृति भीतरी प्रेरणा का फल है, कौन सा लेखन बाहरी दबाव का। दूसरे यह भी होता है कि बाहर का दबाव वास्तव में दबाव नहीं रहता, वह मानो भीतरी उन्मेष के निमित्त बन जाता है। देखो यहाँ पे बात जो है वो कही ये जा रही है कि भैया देखो
हम हो या कोई लेखक हो, पहले तो वह अपने पर्सनल लाइफ की चीज यानी अपनी जीवनी, अपने जीवन में जो भी उसकी घटनाएं जो घटी हैं, वैसी घटनाएं, देखो कोई भी इंसान अपने जीवनी में पर्सनल इश्यूज को वो कभी भी सामने नहीं लाता है, वहां पे बस उसी बातों को लोगों के सामने वह जाहिर करता है, यानी अपने लिखावट में उसी घटनाओं को वो शामिल करता है जो कि लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। यहाँ पे वही लेखक कहता है कि सभी जो लेखक जो होते हैं, जो भी अपने आप को कृतिकार कहते हैं यानी रचयिता कहते हैं कि रचना करने वाले जो हैं, अच्छी अच्छी रचना करने वाले, अच्छी अच्छी बातें लिखने वाले, तो सारे के सारे लेखक वैसे नहीं होते ना, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनका कि भाई उनके ऊपर बाहरी दबाव पड़ता है। बाहरी दबाव मतलब ऐसा नहीं कि उनके मन में ऐसी बात आई, ये ख्याल आया कि अरे भैया चलो आज हम इस टॉपिक पे लिखते हैं, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसे लेखक बहुत कम होते हैं, बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो कि बाहरी दबाव पे काम करते हैं, यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें फोर्स करता है, कोई दूसरा व्यक्ति उन पे दबाव डालता है कि भैया तुम इस चीज़ के बारे में तुम लिखो। तो इसी में वही हमारे कवि कह रहे हैं कि कुछ संपादक के आग्रह से लिखते हैं, कुछ प्रकाशक वगैरह जो हैं उन सबको देख के, उन सबकी बातों को समझ के उनके इरादे से लिखते हैं, कुछ जो है वो अपने कमाई के लिए लिखते हैं, अपने आर्थिक आवश्यकता के लिए, 10 मिनट की कमाना है मुझे तो चलो कहीं से चटपटा मसालेदार कहीं खबर मिल जाए तो वो सारी चीज़ें लिखते हैं, कुछ जो है अपने आसपास जो भी चीज़ें जो हो रही उसको देख, मतलब यहाँ पे हर एक व्यक्ति जो है अगर देखा जाए लेखक के अनुसार, ज़्यादातर जो व्यक्ति हैं जो कि लिखावट जिनकी है उनमें बाहरी दबाव जो है वो शामिल है, यानी ज़्यादा में से अगर बात की जाए तो बहुत कम ही लोग जो हैं वो अपने सामने ये ईमानदारी का जो है वो डिफरेंस बनाए रखते हैं कि नहीं भैया हमको बाहरी दबाव ठीक है, बाहर में जितने भी दबाव लोग मिल जाए, बाहर में लोग चाहे मुझे कैसे भी मिल जाए बोले कि नहीं तुमको इस चीज़ के बारे में तुम्हें नहीं लिखना है, लेकिन अगर मेरा अंतर्मन कहता है, अगर मेरा मन कहता है कि नहीं इस चीज़ के बारे में मुझे लिखना चाहिए, इस चीज़ के बारे में मुझे आवाज़ उठाई जानी चाहिए, तो भैया हम इसी को लिखेंगे, हम दूसरे की बात नहीं मानेंगे। लेकिन हमारे लेखक अगे जी के अनुसार लोग ऐसा बहुत कम करते हैं, बहुत कम ऐसा करते हैं, बहुत से लोग जो है वो बाहरी दबाव के ऊपर यानी दूसरे लोगों की बातों को मान के वो लिखना शुरू करते हैं, बल्कि अपने अंतर मन की आवाज को नहीं सुनते हैं। और यही होता है कि समय के साथ जो उनके मन का, उनके मन के जो बोलते हैं ना कि आप जब समय के साथ जब क्या करते हो, अपने मन की बातों को जब आप नहीं आप सुनना शुरू करते हो, तो धीरे 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 जो आपके सोचने की जो शक्ति है या आपके जो अपने अंतर्मन के सुनने की जो भी आपकी आप बोल सकते हो, जो भी आप अंतर मन के सुनने की जो आपकी चाहत है कि भैया नहीं हम अंतर मन की अपनी बात समझेंगे, उनको सुनेंगे और वही चीज लिखेंगे, तो धीरे धीरे ये जो आप बोल सकते हो भावना जो है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। कब? जब इंसान जो है वो बाहरी दबाव में आके वो लिखना शुरू करता है। तो हमारे लेखक के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। अब हमारे लेखक कहते हैं यहाँ पर कृतिकार के स्वभाव और आत्म अनुशासन का बहुत महत्व होता है। बात सही है कि हमारे जो भी लेखक होते हैं उनके लिखावट, उनका स्वभाव और उनके मन का अनुशासन, यानी कि वो बाहरी जो लोगों का दबाव है उनके जो है उनकी बातों में आए बिना अपने मन की बात अगर सुने तो ऐसा होना चाहिए, यानी आत्म अनुशासन का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और कुछ ऐसे आलसी जीव होते हैं जो बिना किसी बाहरी दबाव के लिख ही नहीं पाते, यानी कुछ लेखक ऐसे भी हैं जब तक उनको बाहरी लोग अगर फोर्स ना करें, जब तक उन पर कोई दबाव ना बनाया जाए, उनको बताया जाता है कि भैया तुम ये टॉपिक पे लिखो ना, तुम इस चीज़ पे लिखो ना, तुम इस चीज़ पे लिखो, मार्केट में ये नई खबर आई है तुम इस पे लिखो, तो बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं। और वो उन्हें हमारे जो अगे जी हैं उन्होंने कहा है ये आलसी लोग हैं जो कि बिना किसी बाहरी दबाव के कभी लिख ही नहीं पाते, और वो जो है इसी के सहारे उनके भीतर की व्यवस्था स्पष्ट होती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे प्रातःकाल नींद खुल जाने पर कोई बिछौने पर तब तक पड़ा रहे जब तक घड़ी का अलार्म ना बज जाए। यानी हमारे कवि जो है वही कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है जो बाहरी लोगों के दबाव में उनके बातों को मानकर, उनके सलाह को मानकर ही वो जब लिखना शुरू करता है तो ऐसे लोग बिल्कुल आलसी होते हैं। ठीक वैसे जैसे कि सुबह सुबह जब हमारी नींद खुलती है, अगर मान लो अलार्म से पहले ही हमारी नींद खुल जाती है, तो हम बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि बेड से उठते नहीं है, तब वेट करते हैं भैया अलार्म जब बजेगी ना तब जाएंगे। तो हमारे लेखक ने जो है वो ऐसे व्यक्तियों को जो है आलसी जो है वह कहा है, आलसी कहा है, ऐसे लोगों को उन्होंने आलसी कहा है। इसके बाद अगर बात की जाए, इस प्रकार वास्तव में कृतिकार बाहर के दबाव के प्रति समर्पित नहीं हो जाता है, उसे केवल एक सहायक यंत्र की तरह काम में लाता है जिसे भौतिक यथार्थ
के साथ उसका संबंध बना रहे, मुझे इस सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी उससे बाधा भी नहीं होती। उठने वाले तुलना को बनाए रखूं तो कहूं कि सवेरे उठता हूं और अपने आप ही पर अलार्म जब भी बज जाए तो कोई हानि नहीं मानता। मतलब यहाँ पे बात वही कही जा रही है कि देखो, ऐसे जो लेखक होते हैं जो दूसरे की बात मानते हैं और दूसरे के सहारे रहते हैं, तो यहाँ पे इनका कहना है कि ऐसे लोग जो है ना, उनको जो बाहरी दुनिया जो है उनको कोई वैल्यू नहीं देती है, क्योंकि जानती है कि ये ऐसे लोग हैं जिनको जब तक कुछ बताओगे नहीं तब तक वो लिखेंगे नहीं, यानी अपनी इनकी कोई सोच है ही नहीं। और ऐसे लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ कमाने का जरिया बन जाते हैं। तो लोग जो है जैसा चाहते हैं, जैसा लिखवाना चाहते हैं, वैसा उनको बोल देते हैं, भैया तुम इस टॉपिक के बारे में ऐसे ऐसे तुम लिख दो, और वो बंदा जो है आंख बंद करके जो है वो लिखना शुरू कर देता है। तो ऐसे लेखक जो है, ऐसे लेखक जो दूसरे की बात मानते हैं और दूसरे के कहे अनुसार लिखते हैं, वैसे लेखक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों के कमाने का जरिया होते हैं, कोई उनकी इज्जत नहीं करता। और तो और यहाँ पे हमारे लेखक कहते हैं, अगे जी कहते हैं कि भैया हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनना है, हमको किसी के भी सहारे की ज़रूरत नहीं है। और हम जो हैं, अगर बात करें उठने वाले की, अगर तुलना की जाए जैसे सुबह सुबह जो लोग उठते हैं उससे अगर तुलना की जाए, तो हम तो भैया ऐसे हैं कि हम तो सुबह अपने आप ही उठ जाते हैं, और अलार्म अगर बज भी जाए, मान लो अलार्म बजने तक भी अगर उठते हैं तो भी कोई हानि नहीं है, लेकिन करते तो अपने मन के हैं ना, करते तो अपने मन के। यानी यहाँ पे लेखक साफ साफ हमारे कहना ये चाहते हैं, अगे जी हमारे ये कहना चाहते हैं कि ये जो भी लिखते हैं इनके ऊपर कभी किसी का दबाव नहीं रहता है, ये कभी किसी की बातों को सुन के किसी की बातों में किसी के बहकावे में आकर ये नहीं लिखते। अब कहते हैं यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बखानना बड़ा कठिन है, क्या वह नहीं होती, यह बताना शायद कम कठिन होता है। इसका उदाहरण दिया जा सकता है, कदाचित तो वह उपयोगी नहीं उपयोगी होगा। अपनी एक कविता की कुछ यूं चर्चा करूं जिससे मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। यानी ये कहते हैं कि भैया कोई इंसान को अगर बात की जाए भीतरी विवशता, यानी उसके मन की विवशता, यानी उसका मन बार बार कह रहा है नहीं मुझे इस बारे में लिखना चाहिए, मुझे इसी टॉपिक के बारे में लिखनी चाहिए, मुझे किसी की बात नहीं सुननी चाहिए, तो भैया ये ख्याल जो है वो क्या होता है, इसके बारे में बता पाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जब इंसान जो है ना, ये इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल दौर होता है जब इंसान को अपने मन की बात जब सुनने पड़े ना। वैसे लोग तो कहते हैं कि भैया हमें मन की बात सुननी चाहिए, लेकिन जब इंसान को मन की बात जब सुननी होती है ना, और जब सुनने का जब सवाल आता है कि हाँ अब जो है वो क्षण वो पल जब आता है जब हमें अपने मन की बात सुननी होती है, तो वो पल सच में कठिन होता है। और यही हमारे कवि कहना चाहते हैं कि उनकी एक कविता है जिस दौरान जो है ये बातें स्पष्ट हो गई थी कि सच में भीतरी विवशता जो है वह क्या होती है, वो जो है उसकी यहाँ पे जिक्र की जा रही है। अब देखो, कहते हैं कि मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, मेरी नियमित शिक्षा उसी विषय से हुई है, अणु क्या होता है, कैसे हम रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन करते हुए विज्ञान की हम उस सीढ़ी तक पहुँचे जहाँ अणु का भेदन संभव हुआ, रेडियोधर्मी था के प्रभाव क्या होते हैं, इन सब का पुस्तकीय या सैद्धांतिक ज्ञान तो मुझे था। जब वह हिरोशिमा में अणु बम गिरा तब उसके समाचार मैंने पढ़े और उसके परवर्ती प्रभावों का विवरण भी पढ़ता रहा, इस प्रकार उसके प्रभावों का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आया। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था, मैंने लेख आदि में कुछ लिखा भी, पर अनुभूति के स्तर पर जो विवशता होती वह बौद्धिक पकड़ से आगे की बात है और उसकी तर्क संगति भी अपनी अलग होती है, इसलिए कविता में मैंने इस विषय में नहीं लिखी। यूं युद्ध काल में भारत की पूर्वी सीमा पर कैसे सैनिक ब्रह्मपुत्र में बम फेंककर हजारों मछलियां मार देते थे जबकि उन्हें आवश्यकता थोड़ी सी होती थी, और जीव के इस अपव्यय से जो व्यथा भीतर उमर पड़ी थी उसकी एक सीमा तक अनुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का अनुभव तो कर ही सका था। यहाँ पे जो है हमारे लेखक जो है वो कहते हैं कि ये जो है वह विज्ञान के विद्यार्थी रहे और इन्हें जो है वह विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ थी, और क्योंकि अणु यानी कि एटम्स जो है, एटम क्या होते हैं वो इन्हें पता था, और एटम बम क्या होते हैं ये इन्हें पता है, और एटम जो है वह किस तरह से अगर एटम्स कि अगर यहाँ पे फ्यूजन हो जाए, यहाँ पे अगर न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाए, न्यूक्लियर की बात की जाए, इनके जो न्यूक्लियस जो है, आपको पता है यहाँ पे जो बात की जा रही है, यहाँ पे जो भेद अणु का भेदन, यानी कि यहाँ पे एटम्स को जब
आपको पता है एटम्स जब टूटते हैं तो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या होते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में टूटते हैं। और आपको पता होगा कि एटम बम जो है वो यहाँ पे आपके हिरोशिमा में जो है एटॉमिक बम जो है वो छोड़ा गया था, उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि भैया उस समय जो हमारा न्यूक्लियर बम जो छोड़ा गया था हिरोशिमा में, तो उस समय मुझे पता था कि इसके क्या प्रभाव होने वाले हैं और मैं निरंतर यानी हमेशा ये जो है वो अखबारों में हर जगह इसके विपरीत प्रभाव को यानी इसके जो नेगेटिव इफेक्ट जो हो सकते थे, इसके हार्मफुल इफेक्ट जो हो सकते थे, उन सब के बारे में जो हमारे कवि जो है वो हमारे लेखक जो है वह पढ़ा करते थे। और तो और ये कहते हैं कि इसका जो है इसका प्रभाव का ऐतिहासिक प्रमाण भी सामने आया। बात सही है, आज भी अगर बात की जाए तो हम सुनते हैं कि भैया हमारे हिरोशिमा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे आज भी लोग जो है वह सही तरीके से उनके वहाँ के बच्चे जो है वो सही तरीके से वो नहीं जाए, मतलब उनके जो है वो फिजिकल जो है वो हैंडीकैप्ड रहते हैं, उनका शरीर जो है वो सही तरीके से नहीं रहता, मतलब अब बात कर सकते हो, मतलब उसका सोचो उसका प्रभाव आज तक है। फिर यही में हमारे कवि कहते हैं कि भैया उस वक्त जो युद्ध जो हुआ था, ठीक है युद्ध हुआ, लेकिन उस समय कहीं ना कहीं विज्ञान का दुरुपयोग किया गया। ठीक है, आपको अगर ये मरना ही था लड़ना ही था तो आप आपस में सेना लड़ते ना, यहाँ पे जो है वो अचानक से न्यूक्लियर बम गिरा देना और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देना, ये कहाँ का न्याय है, ये तो सरासर विज्ञान का क्या है, दुरुपयोग है। और हमारे लेखक कहते हैं कि ये जो है मानते हैं कि उस वक्त जो है उस वक्त के युद्ध के हालात को देखकर ही करना जरूरी हो सकता है क्योंकि लोगों के विचार अलग अलग रहे होंगे, उस वक्त स्थितियाँ कुछ अलग रही होंगी, तो हो सकता है कि ये जो है अपने हिसाब से उन्होंने जो न्यूक्लियर बम जो उन्होंने जो भी डाला वहाँ पे हिरोशिमा में, तो हो सकता है उनके हिसाब से सही हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे लेखक के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भैया ये है तो आखिर हमारे विज्ञान का दुरुपयोग ही, क्योंकि इससे जो है अगर अपने दिमाग अगर लगाई जाए तो एक तरह से समझ में आया कि नहीं भैया युद्ध के हालात थे तो चलो उन्होंने सही करा, लेकिन अगर मन की बात अगर सोचो ना, मन की बात अगर सोचो तो उस समय आपको पता चलता है नहीं भाई ऐसा देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलत हुआ, क्योंकि बहुत सारे इसमें निर्दोष लोग भी मारे गए और उसका इफेक्ट जो है आज तक बहुत बुरा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। और इसके बाद फिर हमारे कवि कहते हैं, हमारे जो लेखक है वह कहते हैं कि भारत के जो उसी समय जो है बात की जा रही कि एक समय युद्ध काल में यानी युद्ध के समय में क्या था कि भारत की पूर्वी सीमा पर जो है हमारे कुछ सैनिक जो थे वो ब्रह्मपुत्र नदी में जो है वो बम फेंक दिए। अब देखो ये बात कहाँ तक सच है इस बात की, तो भाई क्या ही बात कही जाए, इस बात के हम लोग ऐसे बिना जाने हम लोग पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन इनके अनुसार कहना है कि भाई हमारे जो सैनिक जो थे उन्होंने क्या करे ब्रह्मपुत्र नदी में बम फेंक दिए क्योंकि उन्हें जो है मछलियां चाहिए थी खाने के लिए। तो भैया उनका इसके अनुसार जो है लेखक के अनुसार कहना यह है कि उन्हें तो थोड़ी सी चाहिए थी तो उन्हें बम फेंकने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जब आप जो है नदियों में जब आप बम फेंकते हो तो उससे वहाँ के जो भी जलीय जीव जो है उनको नुकसान हो सकता है, उनको बहुत सारे उनके मतलब उनके एक तरह से बोल सकते हैं उनकी जो भी दिनचर्या है वह बिगड़ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है भाई उस बम के प्रभाव से हमारे नदियों का पानी भी पॉल्यूटेड हो सकता है, तो बहुत सारे यहाँ पे ख्याल है इसका हमारे लेखक का। तो ये कह रहा है कि भैया इस तरह से जो है कहीं ना कहीं एक सीमा तक अनुबम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव तो कर ही सका था, यानी एक तरह से कहीं ना कहीं बेकार में ही इन जीवों को नाश किया गया यानी जीवों को मारा गया और उनके ऊपर जो है गलत तरीके से काम किया गया, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेखक यही हमारे कहना चाहते हैं। जापान जाने का जब इन्हें अवसर मिला, जब हमारे लेखक अगे जी जब जापान गए तो वहाँ पे हिरोशिमा भी जब गए और वहाँ पे अस्पताल में उन्होंने देखा कि किस तरह से रेडियम पदार्थ जो आहत लोग वर्षों से कष्ट पा रहे थे, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ कि अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है, कम से कम कृतिकार के लिए अनुभव तो घटित होता है परंतु अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ। यहाँ पे जो बात कह रहे हैं कि भैया एक बार जो है इनको जापान जाने का मौका मिला और ये जाते हैं हिरोशिमा में भी और वहाँ के अस्पताल में जो भी लोग जो है जो न्यूक्लियर बम से जो अफेक्टेड जो लोग थे जो वहाँ पे वर्षों से जो है कष्ट से जीवन जो जी रहे थे उन सबको ये देखते हैं और उन सब को सामने से उन सबकी पीड़ा जो है वो अनुभव करते हैं, तो ये कहते हैं कि भैया ठीक है हमारे लिए तो प्रत्यक्ष रूप से हम उसको बस देख ही पा रहे हैं कि भैया उसको कष्ट हो रहा है, लेकिन कितना कष्ट उसको हो रहा है इस कष्ट का अंदाजा सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को ही होगा जो वर्षों से उस अस्पताल में पड़े हुए उस पीड़ा को उस दुख को वो सह रहा है। तो यहाँ पे हमारे कवि कहते हैं कि बस हम कल्पना और जो है हम संवेदना के अलावा और कुछ हमारे पास नहीं है, यानी एक लेखक के पास कल्पना करने के अलावा और संवेदना के अलावा और कुछ है क्या उसके पास, क्या इसके पास वो है चीज़ की भाई उसका वो दर्द ये ले ले,
ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पे वही है कि जो वास्तव में जो है ऐसा चीज है कि भैया लाइफ में कभी भी ऐसी घटना जो है वो हमारे लेखक के साथ कभी नहीं हुई है, तो लेखक के पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो वो कल्पना है, वो कल्पना ही कर सकता है कि हाँ जी उस इंसान को कितना दर्द हो रहा होगा, और तो और बस वो संवेदना जाहिर कर सकता है कि हाँ भैया तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए हमको बहुत खेद है, बहुत दुख है, और तो और ये कहते हैं कि जो आंखों के सामने नहीं आया, जो घटित के अनुभव में नहीं आया, वही आत्मा के सामने ज्वलंत प्रकाश में आ जाता है, तब वह अनुभूति प्रत्यक्ष हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि मानते हैं, लेखक कहते हैं कि मानते हैं वो सारी घटनाएं जो है वो मेरे आंखों के सामने नहीं हुई है, वो उस क्षण को उस जो भी भयानक पल जो थे उसको मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन जब उन व्यक्तियों के जो लोग उस पीड़ा को जो भुगत रहे थे उनसे जब मैं मिला, उनके जब तकलीफ को मैंने सुना, जब मैंने उसके तकलीफ की कल्पना मैंने करी, तो कहीं ना कहीं वो जो घटना जो हुई थी उसका अनुभव जो है वो मेरे दिमाग में जो है, ठीक है मानते हैं वो जो है उसका उस वक्त का उस पल का अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं वो दृश्य जो है वो मेरे सामने आ गया था, मेरी आंखों के सामने आ गया था कि हाँ भाई कैसे हुआ होगा उस वक्त, किस तरह का डरावना माहौल रहा होगा, किस तरह लोग जो है वो परेशान रहे होंगे, किस तरह की तकलीफ में रहे होंगे, ये सारी चीजें उसके सामने जो है वो क्या हो जाती है, वो ऐसा वो कहते हैं कि ऐसी चीजें जो है मेरे सामने एकदम आंखों के सामने आ जाती है जब मैं उस चीजों की कल्पना करता हूँ। तो हिरोशिमा की खबर देखकर सब देखकर तत्काल कुछ नहीं लिखा नहीं, क्योंकि इसी अनुभूति प्रत्यक्ष की कसर थी। फिर एक दिन वही सड़क पर घूमते हुए देखा कि एक जले हुए पत्थर पर एक लंबी उजली छाया है, विस्फोट के समय कोई वहां खड़ा रहा होगा और विस्फोट के बिखरे रेडियोधर्मी पदार्थ की किरणें उसमें रुद्ध हो गई होंगी, जो आसपास के आगे बढ़ गई और उन्होंने पत्थर को झुलसा दिया, जो व्यक्ति उस व्यक्ति उस पर अटकी उन्होंने उसके भाप बनाकर उड़ा दिया होगा। इस प्रकार समूची ट्रेजेडी जिससे पत्थर पर लिख गई, मतलब यहाँ पे ये कहते हैं, जैसे यहाँ पे पत्थर जो आपको दिख रही है वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है ठीक है ये कहता है कि मानते हैं कि वो घटना जो जब हुई थी उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन उस घटना को जो है महसूस करने के लिए, उस घटना को सामने मतलब देखने के लिए मुझे उस व्यक्ति की जो है दर्द और उसकी तकलीफ को कल्पना करना ही मेरे लिए काफी था, और ये जो है मैंने हिरोशिमा के बारे में तब तक नहीं लिखा, हिरोशिमा की घटना जो थी बहुत पहले हो चुकी थी, तो मैंने तब तक नहीं लिखा जब तक मैं वहां के लोगों से नहीं मिला, वहां के लोगों का दुख दर्द उनकी जो तकलीफ है वो मैं नहीं जान पाया, क्योंकि ये जानना जरूरी था ताकि मैं उस समय के उस घटना को मैं इमेजिन कर सकूं और उसको मैं समझ सकूं। और फिर वही बात करते हैं कि जब एक दिन सड़क पर घूम रहे थे तो उस समय वह देखते हैं, यानी अपनी आंखों के सामने वो एक जो है उसी घटना का एक दृश्य जो है, जो कि कहीं ना कहीं बीते समय का ये एक नाम मात्र सा एक नमूना बनकर रह गया, समझ लो कि एक सबूत बनकर रह गया कि कभी यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर अटैक हुए थे। तो ये कहता है कि यहाँ पे जो है एक लंबा सा एक बड़ा सा एक पत्थर है, उस पत्थर के ऊपर जो है एक लंबी उजली छाया बनी हुई है, जैसे मानो कि विस्फोट के समय कोई व्यक्ति वहां पे खड़ा रहा होगा, और जब यहाँ पे जब बम जब फटे थे, जब वहां पे जब बम फटे थे तो उसकी जो रेडियो एक्टिव जो भी आपके जो किरणें जो थी वो उसके आर पार चली गई, उस व्यक्ति के आर पार चली गई, और वो व्यक्ति जो है उन किरणों के साइड इफेक्ट को वो नहीं सह पाया, और तो और वो सारी किरणों ने उस व्यक्ति के शरीर को जैसे धुआं बनाकर उड़ा दिया, भाप बनाकर उड़ा दिया, और उस समय की जो भी ट्रेजेडी, जो भी भयंकर जो हालात रहे होंगे, उस समय के जो भी दर्दनाक जो सीन रहा होगा, जो भी उस समय का जो मंजर रहा होगा, वो सभी ऐसा लगता है जैसे मानो ये पत्थर जो है वो कह दिया। क्योंकि सोचो ना कि जैसे कोई आदमी यहाँ पे खड़ा था, वो इंसान की छाया बन गई यहाँ पे, भाई छाया बन गई, कैसे एक इम्प्रेशन पड़ गया यहाँ पे उस व्यक्ति का, इस बड़े से पत्थर पे उस व्यक्ति का एक इम्प्रेशन पड़ गया, उसकी छाप पड़ गई, तो सोचो कितना भयानक वो मंजर रहा होगा। फिर इसके बाद ये कहते हैं उस छाया को देखकर जैसे एक थप्पड़ सा लगा, अवाक इतिहास जैसे भीतर कहीं सहसा एक जलते हुए सूर्य सा उग आया और मैं डूब गया। मैं कहूं कि उस क्षण में अणु विस्फोट मेरे अनुभूति प्रत्यक्ष में आ गया, एक अर्थ में मैं स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का भुगतान बन गया। यानी ये कहता है हमारा जो लेखक जो है हमारे कहते हैं कि भैया उस वक्त जो है उसको देख के मुझे ऐसा लगा, अरे ये क्या हो रहा है, हमारा जो इतिहास जो है, हमारे इतिहास में कभी आज तक ऐसा हुआ नहीं था, हमारे इतिहास में शुरू से ही लोग अमन शांति से, सब लोग चैन से, सब एक दूसरे के साथ प्यार से रह रहे थे, लेकिन आज जो ये दृश्य जो है वो देख के ऐसा लग रहा था, वो लेखक जो है लेखक को ऐसा लग रहा था जैसे मानो उस समय की घटना को फील कर रहा हूँ, और उसे ऐसा लग रहा था जैसे जब वो विस्फोट जब हुआ था, जब वो अणु विस्फोट हुआ था उस समय यह खुद वहां पे जाके मौजूद था, यानी ये खुद ऐसा लग रहा जैसे कि उस वक्त खुद ये उस समय का वो पीड़ित व्यक्ति है जिसने कि हिरोशिमा अटैक को देखा है। इसके साथ ही वह कहता है कि इसमें वह विवशता जाएगी,
वह व्यवस्था जाएगी भीतर की अनुकूलता बुद्धि के क्षेत्र से बढ़कर संवेदना के क्षेत्र में आ गई। फिर धीरे धीरे मैं उसे अपने को अलग कर सका और अचानक एक दिन मैंने हिरोशिमा पर कविता लिखी। जापान में नहीं भारत लौटकर रेलगाड़ी में बैठे बैठे एक कविता अच्छी है या बुरी इसे मुझे मतलब नहीं, मेरे निकट यह सच है क्योंकि वह अनुभूति प्रस्तुत यही मेरे निकट का महत्व है। यानी यहाँ पे ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है जब उन्होंने वो चीज़ जब देखी, वो सभी जब घटनाएं उन्होंने देखी तो उनको ऐसा लगा जैसे मानो कि जब हिरोशिमा का अटैक हुआ था उस वक्त वो वहाँ पे मौजूद थे और ये जो है इनके मन को इतना ज़्यादा कचोट रहा था, इनके मन को इतना ज़्यादा व्याकुल कर रहा था कि इन्होंने वहाँ पे वो कविता नहीं लिखी। धीरे धीरे समय के साथ जो है जब उसकी घटनाएं जो है उसका प्रभाव जो है वो हल्का हल्का जब कम होने लगा, यानी जब इनका दिमाग जब शांत हुआ तब ये जो है उन्होंने इसके बारे में इस हिरोशिमा के अटैक के बारे में उन्होंने लिखना शुरू किया। और इन्होंने जापान में नहीं बल्कि भारत लौटने के दौरान रेलगाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने वो कविता को लिखी। और इस तरह से कहते हैं कि मैंने कभी किसी के बाहरी दबाव में आके मैंने नहीं लिखा बल्कि मेरा मन कहा। किसी ने इनको ये नहीं कहा था कि भाई तुम जाओ हिरोशिमा के ऊपर, तुम जो हिरोशिमा में जो अटैक हुए थे तुम उसके ऊपर तुम कहानी लिखो, नहीं कभी, या फिर जो भी तुम कविता लिखो कभी इन्हें किसी ने नहीं कहा था। लेकिन इनके मन में, इनके मंतर मन में, इनके अंतर मन में वो आवाज़ आई थी कि भैया नहीं, उस वक्त के जो लोग थे क्या उन पर तकलीफ बीती हुई, कैसे लोगों का नाश हुआ होगा, कितने सारे लोग मारे गए होंगे, जीव जंतु बहुत सारे चीज़ का जो है वो सब खत्म हो गए थे, तो उन सब के बारे में तुम्हें लिखना चाहिए। तो अपने अंतर मन की आवाज़ सुन के इन्होंने लिखी, तो ये बात कहते हैं। तो आई होप यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारे अगे जी का जो कहानी जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको ये जो इनकी बातें जो है ये बता जो ये रहे हैं कि इन्होंने क्यों लिखा, एक्चुअली ये वो क्यों लिखते हैं या फिर कोई भी लेखक क्यों लिखता है, तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा और आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छे समझ में आया होगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।